तेलुडी के दो आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के बीच बैग एवं खिलौनों का किया गया वितरण। शनिवार को तेलुडी पंचायत में दो आंगनबाड़ी केंद्रों खुट्टा एवं गाड़ी में रूबन मिशन के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक एवं स्थानीय मुखिया शबीर आलम के हाथों बच्चों के बीच बैग एवं खिलौनों का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राइवेट स्कूलों की तरह मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो वही मुखिया शब्बीर आलम ने कहा कि मेरी ओर से लगातार सभी आंगनबाड़ी को मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में विकसित करने का प्रयास जारी है, जिसमें सभी केंद्रों में बच्चों का खेल खेल में पढ़ने के लिए स्कूल की दीवारों में पेंट के द्वारा प्री नर्सरी के सिलेबस के आधार पर आधारित कार्टून आकृति बनाई गई है। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद आमिर अली, मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नियाज इत्यादि उपस्थित रहे। ये रूर्बन मिशन योजना के तहत जो आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको एक मूलभूत सुविधा और एक नर्सरी स्कूल का पहचान देने के उद्देश्य से ये कार्य किया गया है। इसमें ये उद्देश्य है कि जिस तरह के प्राइवेट स्कूलों में सारी व्यवस्थाएं रहती हैं और वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी स्कूल में बच्चों को खिलौना, किताब कॉपी, स्कूल बैग और स्कूल को भी बेहतरीन रंग पेंट करके उसको उस लायक बनाया जाने का प्रयास है। और इसी के तहत हम लोग आज के कार्यक्रम में सभी बच्चों को स्कूल ड्रेस, बैग और खिलौने से भेंट किए हैं। हमारे तेलुडी पंचायत के ग्राम तेलुडी में आंगनबाड़ी केंद्र गादी और आंगनबाड़ी केंद्र खुट्टा में श्यामा प्रसाद रूर्बन मिशन के तहत जो है इसमें मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में इसको अपग्रेड किया गया, जिसमें बच्चों को जिस तरह से जो प्ले स्कूल होता है, आप देखते होंगे कि जो नर्सरी स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती है और जिस तरह से उसके सारी सुविधाएं होती हैं, उस तरह का सारी सुविधाओं को दिया गया। आज हमारे माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो है बच्चों के बीच में बैग खिलौने का वितरण किया गया और तमाम आप जैसे देख पा रहे होंगे कि पूरे आंगनबाड़ी में चित्रकारी के द्वारा सारे सिलेबस जो नर्सरी क्लास के होते हैं वो सारे सिलेबस दीवारों में उकेरा गया है और सारे कार्टून के माध्यम से, फूल पत्तियों के माध्यम से बिल्कुल उनको सिखाने का प्रयास किया जाएगा ताकि बच्चे जो है खेल खेल में ही शिक्षा ग्रहण करें। और जब हमारा ये आंगनबाड़ी से जब हमारे बच्चे का जब शिक्षा, बुनियादी शिक्षा जब मजबूत होगी तो आगे जो अब वो जाएंगे प्राथमिक विद्यालय में तो वो अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और आने वाला जो उनका भविष्य होगा वो बहुत उज्ज्वल होगा। तो हम यह कामना करते हैं कि जितने भी जिले में हमारे जो भी आंगनबाड़ी और या प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं और यह जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि सभी को मॉडल के रूप में अपग्रेड किया जाए ताकि बच्चों की पठन पाठन के साथ साथ उसके बौद्धिक और तमाम तरह के पूरे सर्वांगीण उसका विकास किया जा सके। धन्यवाद।